आईटीसी 223 का, 223.25 रुपए का अभी भाव है आईटीसी के अंदर, अब यहां से मोमेंटम बनना चाहिए। आईटीसी ने एक तेजी दिखा के गिरावट दिखाया, गिरावट दिखाने के बाद ये लोअर लेवल्स पे सपोर्ट के पास कंसोलिडेट कर रहा है और अब 3 से 4 दिनों के लिए इसके अंदर व्यू ले और काम करें। आईटीसी 220 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। आईटीसी के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर में 228 रुपए से लेके 232 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। 3 से 4 दिनों के लिए आईटीसी के अंदर ऑप्शंस में भी ट्रेड किया जा सकता है। 225 वाला कॉल 5.85 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है, लेने का सलाह रहेगा। 4 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 8 रुपए से लेकर 9 रुपए तक के टारगेट आईटीसी के 225 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल्स पे 228 रुपए से लेकर 232 रुपए तक के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में आईटीसी में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा आईटीसी के अंदर। जुबिलेंट इंग्रेविया, जुबिलेंट इंग्रेविया पे खरीदारी की राय है। टारगेट पहले बता दूं 751, अभी भी फिर से शुभ टारगेट से 751। ग्लोबल इंटीग्रेटेड लाइफ साइंस प्रोडक्ट्स बनाती है, साथ ही साथ स्पेशलिटी केमिकल बनाती है जुबिलेंट इंग्रेविया। ये बहुत सारे सेक्टर्स को सर्व करती है जैसे कि फार्मा, न्यूट्रिशन, एग्रोकेमिकल, और वर्ल्ड में बहुत बड़े पोजीशन में है विटामिन B3 बनाने में, और इंडिया में टॉप पोजीशन में है विटामिन बनाने, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट होते हैं विटामिन B3 और B4, इसमें टॉप में है इंडिया में। इन्वेस्ट करने वाली है 900 करोड़ 3 साल में और B3 की कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, विटामिन B3 की डबल डिजिट रेवेन्यू, डबल रेवेन्यू हो सकता है FY24 बिकॉज ऑफ केपेक्स, जो कैपेसिटी बढ़ा रही है और 900 करोड़ निवेश कर रही है। जुबिलेंट इंग्रेविया पे खरीदारी की राय है 751 के टारगेट के लिए।